हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे। और ये जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है हम लोग का मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें को जान गए हैं, जिसमें हम लोग ऑपरेटर को जान चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नलिस ऑपरेटर को जाना था, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी हम लोगों ने जान लिया था। बेसिक कोड लिखना हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में जान चुके हैं कि भाई इसको बेसिक कोड कैसे लिखना है, जावास्क्रिप्ट में क्या कैसे प्रिंट कराना है और ये कैसे रन करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो थोड़ा सा एडवांस, और जो पहला टॉपिक है एडवांस, अगर देखा जाए तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, चाहे आप जावा में जा रहे हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट में जा रहे हैं, पाइथन में जा रहे हैं, डार्ट में जा रहे हैं, गो में जा रहे हैं, किसी में भी जाइए, लूप आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और लूप के बिना कोई भी प्रोग्राम आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी कोडिंग आप लूप के बिना नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक अच्छा वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपको लूप का यूज जरूरी करना होगा। विदाउट लूप आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि लूप का यूज आपको करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लूप है क्या। मैं इतनी इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ कि लूप आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, लूप क्या होता है ना, कि जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने एक कोड लिखा, ठीक है, और उस कोड को आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, बार बार उसको रिपीट करना है, एक कोड ब्लॉक आपने बना दिया और उसको बार बार रिपीट करना है, और वो तब तक रिपीट करना है जब तक कि आप जो एक्चुअल रिजल्ट जो चाहते हैं वो मिल ना जाए। ठीक है, तब तक आपको लूप लिखना है। ठीक है, अभी जैसे मेरे को क्या करना है कि मेरे को एक प्रिंट कराना है, सपोज मेरे को कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराना है। ठीक है, और मुझे कंसोल डॉट लॉग तब तक प्रिंट कराना है जब तक, ये सपोज मान लीजिए कि मेरे को कंसोल लॉग डॉट 100 टाइम प्रिंट कराना है। ठीक है, तभी मेरे को क्या उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो अभी तक हम लोग ने जाना है उसमें क्या कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे लिखना होगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ऐसे मैं लिखते जाऊंगा और ये 100 टाइम हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलिए ठीक है, 100 टाइम आपने लिख लिया, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि इसको 1000 टाइम लिखना है, आपको 1 मिलियन टाइम लिखना है, तो फिर ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि कॉपी पेस्ट करते जाना है, कॉपी पेस्ट करते जाना है, 100 मिलियन तक आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है, मिलियन एंड मिलियन तक कॉपी पेस्ट करते जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, और हर बार तो आपको हेलो वर्ड प्रिंट नहीं कराना होगा, हर बार तो आपको कुछ और भी प्रिंट कराना होगा। डेट्स वाई यहाँ पे हम लोग का लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। लूप क्या करेगा कि आपने इतना लिख दिया हेलो डॉट वर्ड, ठीक है, और आपने दे दिया कि भाई इसको 100 तक मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, अभी इसको ये ऑटोमेटिक 100 तक प्रिंट कराएगा, जैसे 100 होगा वैसे इस लूप को ये क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये तो आपने समझ गया कि जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का क्या कॉन्सेप्ट है, लूप का कब यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कि लूप कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह से हम लोग लिख सकते हैं लूप को। ठीक है, तो लूप हम लोग यहाँ पे तीन तरह से, जो जावास्क्रिप्ट में है वो तीन टाइप का लूप है। ठीक है, पहला है यहाँ पे फॉर लूप, फॉर लूप। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। ओके, और जो थर्ड है वो है डू व्हाइल लूप। थर्ड है यहाँ पे सॉरी डू व्हाइल लूप, डू और फाइल, चूंकि ऑलरेडी मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पे तीन डॉट दे देता हूँ और फाइल में ऐसे लिखता हूँ व्हाइल लूप। ओके, तो ये तीनों हो गया, आपका फॉर लूप हो गया और व्हाइल लूप हो गया और डू व्हाइल लूप हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं कमेंट नहीं करूंगा तो जब मैं कोड को रन करूंगा तब ये एरर आएगा। ठीक है, अभी एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, मैं पहले सबका एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि किसका क्या काम है, ठीक है, और कैसे कौन काम करेगा। ठीक है, देखिए ये टाइप तीन तरह के है, लेकिन काम तीनों का एक ही है, तीनों एक ही काम करेगा कि एक कोड आपने दे दिया, इस कोड को ये रिपीट रिपीट करेगा जब तक ये रन करेगा उस कोड को, जब तक कि आपको जो एक्चुअल जो आपको रिजल्ट जो चाहते हैं, ठीक है, वो जब तक उम्मीद नहीं होता है। ठीक है, अभी इसमें समझते हैं कि फॉर लूप क्या करेगा। ठीक है, फॉर लूप का यूज तब हम लोग करेंगे, फॉर लूप का यूज तब हम लोग करेंगे जब हम लोग को एक्चुअल चीजें पता होगा कि लूप कब से चलेगा और कब तक चलेगा। ठीक है,
जब आपको सारी चीजें पता है, ठीक है, जैसे कि मेरे को 1 से 100 तक मेरे को नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई 1 से प्रिंट कराना है, मतलब फॉर लूप में कि 1 से हमको प्रिंट कराना और 100 तक जाना है, ठीक है, आपने दे दिया कि 1 से प्रिंट होगा 100 तक जाएगा। तो इस केस में क्या है कि आपको पता है कि कहाँ से मुझे लूप चलाना है और कहाँ खत्म करना है, आपको हर चीज़ यहाँ पे पता है, ठीक है, तो इस केस में आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप का यूज कब करेंगे, व्हाइल लूप का यूज तब करेंगे जब आपको पता नहीं है कि कब से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है ये आपको पता है कि भाई मुझे 100 तक प्रिंट कराना है, लेकिन जब आपको ये पता ना हो कि ये मेरे को यहाँ तक, यहाँ से हमको शुरू करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जब एक्चुअल रिजल्ट आपको पता नहीं है पहले से, तब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, आपको पता है कि भाई मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तब तक ये प्रिंट करते रहेगा। तो ये हो गया व्हाइल लूप, और ये क्या करता है कि कंडीशन पहले चेक करता है कि भाई ये कंडीशन मीट हुआ है नहीं हुआ, मीट हो गया तो वहां पे इसको क्लोज कर देगा, वो वहां पे लूप को क्लोज कर देगा, ठीक है। अब डू व्हाइल में क्या होता है, डू व्हाइल में भी सिमिलर लूप के जैसा ही काम करता है, व्हाइल लूप के जैसा काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि व्हाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होता है और डू व्हाइल में कंडीशन बाद में चेक होता है। इससे क्या होगा कि आपका कंडीशन मीट कर गया है उसके बाद भी एक बार वो चल जाएगा, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अब मेरे को प्रिंट कराना है 1 से 100 तक, ठीक है, तो मैं अगर व्हाइल में प्रिंट करूंगा तो पहले चेक करेगा, ठीक है, तो जैसे 100 होगा वैसे इसने प्रिंट कर देगा और लूप को क्लोज कर देगा, तो 100 तक कंप्लीट हो गया। लेकिन व्हाइल में क्या होगा, डू व्हाइल में क्या होगा कि ये 101 भी प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे आ जाएगा ये 100, जैसे होगा 100 होने के बाद इसको क्लोज कर देगा तो 100 प्रिंट हो जाएगा, और डू व्हाइल में क्या होगा 100 होगा उसके बाद क्लोज कर देगा उसको, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इसमें कंसेप्ट है वो है। अब एक एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होगा और इसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ से फॉर लूप से, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर लूप में मैं क्या करता हूँ कि भाई फॉर लूप में यहाँ पे देता हूँ, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, तो सबसे पहले मैं फॉर लूप का सिंटेक्स मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, ठीक है। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे जो इसका सिंटेक्स है वो मैं दे देता हूँ। तो फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर यहाँ पे देना है, सबसे पहले फॉर आपको कीवर्ड यहाँ पे देना होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है, कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना है वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कंडीशन दे दिया, कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप जो एक्चुअल रिजल्ट देते हैं अपडेट, ठीक है, ये आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और नीचे क्लोज कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे आपका कोड हो जाएगा, कोड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और अभी ये समझ में आया आपको क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये सिंटैक्स है इसका फॉर लूप का। सबसे पहले आपको फॉर का यहाँ पे साइन देना है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन जो आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन देंगे, और नॉट स्लैशेस कंडीशन, शुड बी ओनली कंडीशन रूल या कंडीशन आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली समझने के लिए मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद से अपडेट यहाँ पे देना है कि क्या क्या ये अपडेट करेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूँगा कि 1 से 100 तक जाएगा तो पहले टाइम ये प्रिंट करेगा 0, 1, 2, 3, तो ये जो अपडेट हो रहा है नंबर उसको ये अपडेट करेगा, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अभी ये सिंटेक्स तो हम लोग का हो गया, सिंटेक्स आपको समझ में आ गया कि भाई पहले हमको फॉर लूप देना है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन देना है, कंडीशन देना है, अपडेट देना है, कोड को एग्जीक्यूट कराना है, और उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे मैं फॉर लूप दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, चूंकि मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे 1 से 5 तक मैं नंबर्स को प्रिंट कराता हूँ, 1 to 5 मैं नंबर प्रिंट कराता हूँ। तो चूंकि मुझे पता है कि 0 से मेरे को प्रिंट कराना है, ठीक है, मेरे को 0 से प्रिंट कराना है, तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा यहाँ पे let1 = 0, ठीक है, ये मैंने दे दिया कि यहाँ से मेरे को प्रिंट कराना है, तो एक वेरिएबल मैंने बना लिया i, ठीक है, और i का वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 0, कि ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा कि ये लूप कब तक चलेगा, सॉरी, तो ये लूप चलेगा आपको 5 तक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई दे देता हूँ। और कैसे मैं दूंगा 5 तक, तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा कि आई जब तक कि छोटा है 5 से, ठीक है, तो आई छोटा है 5 से, मैंने एक कंडीशन दे दिया,
ठीक है, कि पहले मैंने दे दिया कि भाई जीरो से चलेगा ये, और आई कब तक चलेगा, तो मैंने ये दे दिया कि आई तब तक चलेगा जब तक कि 5 से छोटा है, अगर 5 के बराबर होगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और जब तक 5 तक चलेगा तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मतलब अपडेट क्या करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आई को प्लस प्लस कर दूँ, मतलब कि आई को बढ़ाते रहो, आई में एक एक ऐड करते रहो, आई का प्लस प्लस मतलब है कि आई में एक ऐड करते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं आई को प्रिंट कर दिया, ठीक है, सेमी कोलन देते हैं यहाँ पे। और मैं अब यहाँ पे आके मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ कंसोल, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए 0 1 2 3 4, चूंकि 5 यहाँ पे प्रिंट इसलिए नहीं किया क्योंकि 5 तो बराबर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ना, 5 के इक्वल टू हो जाएगा, डेट्स वाई इसने 5 को प्रिंट नहीं किया। और बाकी मैंने यहाँ पे आई का प्लस प्लस दिया था तो यहाँ पे आई प्रिंट करते जाएगा। अब पहली बार क्या होगा कि आई 0 में 1 ऐड करेगा तो यहाँ पे पहले तो इसने 0 को दे देगा, ठीक है, उसके बाद से 1 को करेगा तो 0 प्लस 1, ठीक है, उसके बाद से 1 हो गया 1 प्लस 1, फिर से 2 प्लस 1, इस तरह से वो प्रिंट करते जाएगा और चेक करते जाएगा यहाँ पे एक ही कंडीशन में, यहाँ पे चेक करते जाएगा कि आई 0 चला 5 तक चला और यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं ऐसे 15 अगर दे दूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 तक चलेगा, चूंकि 15 दिया है मैंने तो 0 से चल रहा है तो ये 14 तक जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इक्वल टू यहाँ पे देता हूँ कि अगर ये बराबर हो या फिर इससे छोटा हो तभी तक ये चलेगा, तो देखिए अभी टोटल 50 तक चला क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू भी दिया है साथ में कि ये या तो छोटा हो या फिर इसके बराबर हो तब तक ये चलेगा, ठीक है। मैं अगेन इसको रिवर्ट कर देता हूँ, तो आपको ये समझ में आया कि लूप कैसे ये काम करेगा। फॉर लूप पहले आपको इनिशियलाइज करना होगा, एक वेरिएबल अपने बना के असाइन कर देना है कि भाई मुझे यहाँ से लूप को चलाना है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया कि भाई मुझे ये जो लूप है वो मुझे 15 तक ही चलाना है, ठीक है। तो और आई जो है जो लूप चल रहा है वो आई आई का वैल्यू वो हमेशा छोटा होना चाहिए 15 से, अगर छोटा होता है तभी तक चलेगा। और उसके बाद आई को अपडेट में कर दिया कि एक एक बढ़ते जाएगा, तो आई यहाँ पे एक एक बढ़ते जाएगा, मतलब आई प्लस वन, ठीक है, ये करते जाएगा। तो ये हो गया फॉर लूप, ठीक है। इस कंडीशन में आपने देखा कि हम लोग को पता है कि आई का वैल्यू 0 से हमको स्टार्ट करना है और 15 तक लेके जाना है, जिस केस में हम लोगों ने फॉर लूप को चला लिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और ये है आपका व्हाइल लूप, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, मैं यहाँ पे साथ में मैं लिखते जाता हूँ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता हूँ और ये जाएगा व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होगा वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या। तो व्हाइल लूप में क्या करना है, सेम आपको व्हाइल यहाँ पे कीवर्ड देना है, उसके बाद से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना और यहाँ पे डायरेक्टली आपको कंडीशन दे देना है, कंडीशन यहाँ पे ओपन क्लोज करना है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल है ये बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे कंडीशन दे दिया, ठीक है, कि भाई मेरे को किस कंडीशन तक ये चलाना है, उसके बाद आपने कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, सिंपल एकदम, ठीक है। अभी चलिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे दे देता हूँ एग्जाम्पल में, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल और यहाँ पे मैं सेम इसको मैं दे देता हूँ वाई और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ कि जो आई है वो क्या करेगा कि वो अगर 5 से कम होता है तभी तक चलेगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कंसोल लॉग आई, ठीक है। और चूंकि आई ऐसे प्रिंट नहीं करेगा तो मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा, तो वेरिएबल में मैं असाइन कर देता हूँ आई इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दे दिया मैंने कि आई चलेगा तब तक कि जब तक आई छोटा ना हो, तब तक ये व्हाइल लूप चलते रहेगा, ठीक है, और इसको प्रिंट करते रहेगा। और उसके बाद चूंकि मुझे अपडेट भी करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आई आई प्लस प्लस यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, आई प्लस प्लस मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, सेम रिजल्ट ये भी देगा आपका। यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, आपको पता नहीं है कि ये कहाँ तक चलेगा, तो आपने यहाँ पे केवल आपको पता है कि ये मुझे रिजल्ट चाहिए, 5 तक मुझे रिजल्ट चाहिए, तो व्हाइल आपने यहाँ पे लगा दिया आई जो लेस देन है 5 से हो रहेगा, यहाँ पे कंडीशन प्रिंट करेगा, उसके बाद से आपके आई को प्लस प्लस आपने कर दिया, आई में प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखिए यहाँ पे 0 से 5 तक अगेन ये चल गया। तो
तो सेम लूप में जो बाहर का लूप है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने कंडीशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कंडीशन बताया तो उस कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि सेम है आपका डू वाइल, वाइल के एकदम सिमिलर है डू वाइल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें बिल्कुल सेम चीज होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम सिंटेक्स को, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि वाइल, ठीक है, वाइल सेम रहेगा, कंडीशन को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डू हो जाएगा, डू, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले क्या होगा कि पहले, और यहां पे आ जाएगा आपका कूड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, तो यहाँ पे वाइल में हम लोगों ने क्या किया, इसको मैं एक बार, हाँ यहाँ पे देखिए वाइल में क्या किया, मैंने पहले चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब ये चल रहा है तो सबसे पहले हम लोग लूप के इनिशियल में चेक कर लिए कि भाई ये इतना से कम होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डू वाइल में, डू वाइल में हम लोग बाद में चेक कर रहे हैं, जब पहले प्रिंट करा ले रहे हैं उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन को, ठीक है। पहले हम लोग कोड के एग्जीक्यूट करा लिए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन को। इस केस में क्या होगा कि पहले प्रिंट कर देगा उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अभी जैसे देखिए मैं इसको भी कमेंट करता हूँ और एक्चुअल में कोड लिखता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। यहाँ के इसके एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा डू, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग आई फाइल, यहाँ पे मैं कंडीशन दे दिया आई जो है वो छोटा होना चाहिए 5 से, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट आई इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलर चीज है यहाँ पे, बिल्कुल एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डू कर दिया, पहले मैं डू लगा दिया कि भाई पहले प्रिंट कर दो इसको, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करो कि जो आई है वो यहाँ पे 5 से कम होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आई को मैं प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब देखिए सेम रिजल्ट आया डू वाइल में भी, कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। डू वाइल में भी इसने सेम रिजल्ट हम लोग को दिया है, ठीक है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ है, बशर्ते कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि पहले इसको प्रिंट करा लिए, आई को प्रिंट करा लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन को चेक कर लिए कि भाई ये कंडीशन है, यहाँ से इसको प्रिंट करो, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे पहले हम लोगों ने प्रिंट करा लिया, उसके बाद कंडीशन को चेक कर लिया, जब कंडीशन 5 से छोटा हो रहा है तब तक प्रिंट किया, और जैसे कंडीशन 5 से बड़ा हुआ इसको ये क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये जो बेसिक सा एग्जांपल हम लोगों ने देखना है कि फॉर लूप का है, वाइल का है और डू वाइल का है, ठीक है। सेम मैं एक बार इसको अनकमेंट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी मैं ये फॉर लूप का हम लोग का था, इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ओके, ये बोला है कि रेडी क्लियर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप का ये सिंटेक्स है जिसमें कि हम लोगों ने आई डाल दिया, पहले 0 से स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो हम लोग को पता है इसमें हम लोग कंडीशन सिर्फ दे दीजिए कि यहाँ पे कंडीशन रहेगा और उसके बाद प्रिंट करेगा। और डू वाइल में क्या है कि पहले हम लोग प्रिंट करा लिए, बाद में हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। वाइल में क्या किया, पहले हम लोग कंडीशन चेक किए, बाद में प्रिंट करा, और डू वाइल में हम लोग पहले प्रिंट कर लिए, उसके बाद कंडीशन को चेक किए, ठीक है। तो आई होप कि आपको लूप का बेसिक जो है वो आपको पता चला कि लूप में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कितने टाइप के इसमें लूप होते हैं। इसमें नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग थोड़े से इस लूप में जो है थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे कि लूप में क्या जाएगा, ठीक है। अभी एक बार समरी में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लूप देखा। लूप क्या होता है कि एक कोड ब्लॉक है, आपको उसको बार बार अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप लूप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में लूप कितने टाइप के होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के लूप हम लोगों ने देखा, फॉर वाइल एंड डू वाइल। फॉर लूप में क्या जानते हैं कि जब हम लोग को जो नंबर ऑफ इरिटेशन है वो आपको पहले से पता है, ठीक है। डू वाइल में क्या हम लोगों ने देखा कि जब आपको नंबर ऑफ इरिटेशन पहले से पता नहीं है लेकिन आपको पता है कि लूप यहां तक चलना चाहिए,
कि इसके बाद लूप नहीं चलना चाहिए, ठीक है। व्हाइल में क्या पता आपको कि आपको नंबर ऑफ इटरेशन आपको पहले से नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि लूप इससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और डू व्हाइल में क्या है कि जब आप इंश्योर करना चाहते हैं कि रन जो है वो लूप जो है वो पहले प्रिंट हो बाद में कंडीशन चेक हो, तो आप इसको यूज करते हैं डू व्हाइल, ठीक है। पहले आपने प्रिंट कर दिया उसके बाद आपने कंडीशन को चेक किया, तो यहाँ पे हम लोग डू व्हाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग का जो बेसिक चीज है, ठीक है, उसको हम लोग देखा लूप में फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसमें हम लोग अलग अलग कंडीशन डालेंगे कि भाई मुझे 1 से 5 तक प्रिंट करना है, जिसमें से 3 हमको प्रिंट नहीं कराना है, 4 हम लोग को प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है, या फिर लूप के अंदर हम लोग लूप कैसे यूज करेंगे, ये सब चीज़ों को अब हम लोग और थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको लूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे हमको कमेंट करिए और जरूर बताइए कि कहाँ पे किस पार्ट में आपको समझ में नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको समझाने का कोशिश करूँगा अगेन कि जहाँ पे जिस पार्ट में आपको समझ में नहीं आया। और इस वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक करिएगा और प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।